देख रहे हो यहाँ पर मिनी जनरेटर यहाँ पर बनाया है, वो भी पावरफुल। आप देख सकते हो किस प्रकार से एसी करंट का जो बल्ब है वो इतना फास्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर गियर सिस्टम की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं कूलर मोटर से, जो वाटर मोटर है कूलर मोटर उससे हम बनाने वाले हैं यहाँ पर जनरेटर। आप देख रहे हो यहाँ पर इसका जो मैग्नेट है वो मैंने इस मशीन को लगा दिया है, जिसे हम यहाँ पर सेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं प्लाउट की मदद से यहाँ पर सेट करने वाला हूँ, आप चाहे तो किसी और चीज़ के भी यहाँ पर नाप लेके यहाँ पर बिठा सकते हो। तो मेरे पास पट्टी नहीं है, तो इस एक्स्ट्रा ब्लेड के ज़रिए ही मैं यहाँ पर इसकी ये कर रहा हूँ। अब इसे हम काटेंगे, जहाँ से नाप लिया है उस जगह पर हम इसे काट लेंगे। जैसे कि ड्रिल की सहायता से, मेरे पास एक ग्राइंडर है ड्रिल का बना हुआ, उससे हम यहाँ पर काट रहे हैं। तो आपको देखना है कि मैं लास्ट तक आपको कैसे एडवेंचर बना रहा हूँ। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इमेजिन और प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो तो यहाँ पर मैं इसे काट रहा हूँ अपनी ड्रिल की सहायता से। ये भी मैंने घर पर ही बनाया है, इसे बनाना कोई इतने दिक्कत का काम नहीं है, लेकिन समझ लेना बहुत दिक्कत का काम है, संभाल के इसे चलाना पड़ता है। देख रहे हो किस प्रकार से इसने मैंने प्लाउट को काट दिया है। ये हो गया है मेरा एक तख्ता, जिसका एक साइज़ है आड़ी साइज़, ठीक है। अब खड़ी साइज़ को यहाँ पर देख लेंगे, जो कि सीधा इस पर लगा रहे हैं। इसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और यहाँ पर हम दूसरी साइड से काटने के लिए यहाँ पर रेडी करेंगे। इसका नाप लेंगे कि इस कहाँ से इसे काटना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई कुछ भी कमेंट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और उसका जवाब मैं आपको तुरंत ही दे दूंगा। एसी डीसी ये दोनों ही बनाता है। एसी अगर बात करें तो एसी आपके सामने है, वो बल्ब चलाया है, तो किसी और चीज़ को भी यहाँ पर चलाएगा, लेकिन और गियर सिस्टम की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे इसके नाप के थ्रू यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा नाप लेंगे इस खड़ी फाइल का, जहाँ से हम इसे काटेंगे और इस यहाँ पर फिट करेंगे, ताकि ये हिले डुले नहीं। अच्छी तरह से इसे पैक करना है, ताकि हमें प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा देर तक चलना चाहिए और अच्छा भी दिखना चाहिए। हमारे घर पड़ी हुई जिस कूलर मोटर से हम यहाँ पर इनोवेशन कर रहे हैं, आप स्कूल से हो तो आपके लिए ये बहुत काम का है। आपको स्कूल में यहाँ पर दिखा सकते हो जनरेटर कैसा बनता है, या मिनी जनरेटर हम यहाँ पर कैसे बना सकते हो, जैसे कि इन्वर्टर जनरेटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसी भी प्लाउट को हम इस हाथ से काट लेंगे, ताकि हम इसे चिपका सके और इसे अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स कर सके। फिर से हम ड्रिल मोटर से यहाँ पर काट रहे हैं। कोई भी ऐसा काम अगर आपको अच्छा ना लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसे वहाँ पर सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे प्लाउट को काट रहे हैं, अच्छी तरह से संभाल कर यहाँ पर काट रहे हैं, और काटने के बाद इसे हम निकाल लेंगे और अच्छी तरह से इसे साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद यहाँ पर हम इसका जो नाप है उस नाप की तरह यहाँ पर हम एक कीले की सहायता से इसे हम ठोक लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से हिले नहीं और चिपका भी लेंगे, ताकि ये दोनों भी एडजस्टमेंट यहाँ पर हो जाए। देख सकते हो ये कीला मैंने यहाँ पर ले लिया, जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस प्रकार से इसे हम ठोक लेंगे, क्योंकि ये हिले डुले नहीं, और यहाँ पर इसे हम चिपका भी लेंगे ताकि ये फिर से उसकी मजबूती यहाँ पर बनी रहे। ठीक है, हम एक प्लाउट को यहाँ से मार लिया है, आप दूसरे प्लाउट को हम यहाँ से मार लेंगे, इसका नाप लेके इसे ठोक देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम यही दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि जो है फिक्स वही रहेगा, तभी आपका इन्वेंशन जो है, प्रोजेक्ट जो है वो अच्छी तरह से बनेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर हम ठोक लेंगे अच्छी तरह से, देख सकते हो किस प्रकार से मैंने इस कीले को लगाया, लेकिन यहाँ पर मेरा जो प्लाउट है वो थोड़ा सा टूट गया है। कोई बात नहीं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, इतना भी अच्छा आपको फिक्स बनाना है तो आप अच्छी तरह से ठोक दिए, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे आप अच्छी तरह से यहाँ गोंद की सहायता से या किसी कीले की सहायता से यहाँ पर इसे चिपका लेंगे। पहले तो मेरे पास गोंद है, तो मैं इसे गोंद की सहायता लगाऊंगा, आप चाहे तो आप कीला भी इसे ठोक सकते हो। ठीक है, देख सकते हो इस प्रकार का गोंद है, जो शोल्डर की सहायता से मैं इसे लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्लू गन भी है, लेकिन उससे नहीं, शोल्डर की सहायता से लगाऊंगा, ग्लू गन की सहायता से नहीं, आप चाहे तो ग्लू गन की सहायता से लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर गोल फहरा रहा हो, अब इसे हम चिपका लेंगे, ताकि ये जब तक एनिमेशन रहेगा तब तक ये खराब ना हो। यहाँ से मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से चिपका लिया है, आप यहाँ पर इसका नाप लेंगे ताकि ये इधर उधर ना हो, और जहाँ पर चाहिए उसी प्रकार से हम इसे मोटर को भी चिपका लेंगे। मोटर बिल्कुल ख़राब थी, मैंने बंगार से इसे लिया था, ख़राब कबाड़ों से यहाँ पर लिया था, और इसे मैं यहाँ से बना रहा। आपको भी प्रोजेक्ट की जानकारी है तो आप किसी और प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इस बारे में आप बनाओ।
तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से चिपका लेंगे ताकि ये निकले नहीं और अच्छी तरह से यहाँ पर ये बने रहे। तो यहाँ पर हमने इसे पूरी तरह से यहाँ पर ग्लू गन की सहायता से इसे हमने चिपका लिया है। अब यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे। इसके साइड में मैंने एक होल्डर लगाया है, आप देख सकते हो यहाँ पर वायरिंग करी है, बिल्कुल वही से वायरिंग करी है। कोई भी यहाँ पर गलत कोई भी इन्वेंशन मैंने आपको दिखाया नहीं है, कोई भी कहाँ से वायर यहाँ पर लगाया नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं इसे घुमा रहा हूँ तो इसकी जो स्पीड है डबल हो जाएगी और यहाँ पर 40 होल्ड का बल्ब मैं यहाँ का आपको जला के दिखाऊँगा कि अच्छी तरह से जल रहा है या नहीं जल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसे घुमा लेंगे, फास्ट घुमा लेंगे ताकि ये 40 वोल्ट है, ये एलईडी बल्ब नहीं है, इसे करंट ज़्यादा लगता है। तो देख सकते जैसे मैं इसे घुमा रहा हूँ थोड़ा नॉर्मल सा यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर ग्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम थोड़े से अच्छी तरह से बिठाएंगे और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पर इसकी जो तार है वो चमक रही है। ठीक है, इसमें जो वोल्टेज है वो एसी करंट यहाँ पर बन रहा है, देख सकते हो किसी प्रकार से बन रहा है, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर एसी करंट जो है बन रहा है। ठीक है, तो आपको मैं इसे निकाल लेता हूँ और अब हम चेक करेंगे इसके 100 वाट को, जो कि आपको पता होगा कांच का बल्ब है, इसे भी पावर बहुत ज़्यादा लगती है। कितना पावर बनेगा ये मल्टीमीटर पर मैंने चेक नहीं कराए, लेकिन डायरेक्ट मैं आपको इन्वेंशन के थ्रू बल्ब पर दिखा रहा हूँ। इसे हम 100 वाट के बल्ब को यहाँ पर लगाएंगे और आप देखेंगे कि ये यहाँ से जलता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है, अब हम चेक करेंगे इसे घुमा के कि ये जल रहा है या नहीं। आपको ध्यान देना है कि ये नॉर्मल सा भी जल सकता है क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा लगती है, इतनी पावर यहाँ से नहीं बनेगी। देख सकते हो कुछ भी यहाँ पर हलचल नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई बात नहीं, इस बल्ब का हम निकालेंगे, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये ज़्यादा वोल्ट का है। तो हमें इसके लिए भी इन्वर्टर मोटर भी बहुत बड़ी होनी चाहिए तभी ये काम करेगी। छोटी मोटर है तो छोटा वोल्टेज बनेगा, कम से कम 100 वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है, इस वजह से एलईडी बल्ब चल रहे हैं। देख रहे हो 599 वोल्ट के ये दो बल्ब है, जिसमें से हम पहले बल्ब को यहाँ पर लगा देते हैं। यो सप्तरंगी बल्ब है जो डिस्को लाइट, तो यहाँ पर हल्की सी लाइट जो है यहाँ पर ग्लो कर रही है। ठीक है, लेकिन कलर बदलने की वजह से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पर वाइट कलर का मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर वाइट कलर है, कितना अच्छी तरह से यहाँ पर चमक रहा है। देख सकते आप ही जान सकते हो कि इसी बल्ब को कितना वोल्टेज यहाँ पर बन रहा होगा, ये बल्ब जो है चल रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो कैमरे में कितना अच्छी तरह से यहाँ पर ग्लो कर रहा है, वो भी उजाले में। अगर मैंने यहाँ पर अंधेरा कर दिया तो बहुत अच्छा चमकेगा। तो थोड़ा साइड में इसे लेके हम चेक करा देंगे। इसे मैंने निकाल दिया है, यहाँ पर रख देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने, आप देख रहे हो आप कितना फास्ट यहाँ पर ग्लो कर रहा है। ये है इसकी पावर, जनरेटर की पावर, फुल्ली पावर है और अच्छी